सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नु गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग? गाइस होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अगर भी बढ़िया रहना। तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले करना फिर फायर से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में, क्या आप लोग हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर में कौन से बंडल से गन स्किन देखने को मिलेंगी। साथ ही मैं आप लोग को बताऊंगा क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आप लोग के OB35 अपडेट, 5th एनिवर्सरी और काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यार अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस करने वाले हो। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि यार अगर आप लोग को मेरी वीडियो जरा सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह से रिलेटेड छोटी छोटी अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से जो भी बंदे कमेंट्स कर रहे थे कि मनु भाई हमारा एडवांस सर्वर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो भाई जाके आप लोग अभी चेक कर लेना, आप लोगों का एडवांस सर्वर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया होगा। सो अगर आप लोग पास एक्टिवेशन कोड है तो भाई आप लोग एडवांस सर्वर को डाउनलोड करके खेल सकते हो। और जिनके एडवांस सर्वर डाउनलोड हो चुका है तो यार मैं उनको बताना चाहूंगा कि अभी है ना जो गेम के अंदर हम लोग एंट्री नहीं कर पा रहे, मतलब कि यार जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो भाई वापस से आप लोग को लॉबी में बैक कर देगा। तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, और कुछ बंदे से मैंने पूछा भी था तो वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई वो भी गेम नहीं खेल पा रहे, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग डाउनलोड करने के बारे में सोच रहे तो मैं तो बोलूंगा भाई मत ही करना, क्योंकि फालतू में आप लोग का डाटा भी उड़ जाएगा और अभी गेम भी नहीं खेल पा रहे हम लोग एडवांस सर्वर में। पता नहीं कब तक ये सारी चीजें फिक्स की जाएंगी। इसके अलावा मुझे पता है कि भाई आप में से काफी ज्यादा बंदों को ये परेशानी आ रही है कि भाई आप लोग अपनी फेसबुक आईडी से गेम में लॉगिन नहीं कर पा रहे, और इस चीज को लेकर मेरे पास काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ चुके थे। मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने ये चीज ट्राई की तो भाई मैंने अपनी आईडी को लॉग आउट किया और फिर से फेसबुक से लॉगिन किया तो मेरे लॉगिन हो चुकी थी। अब आप लोग साथ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका एक ही सलूशन है, जो कि यार मुझे पता है अगर आप लोग गेम में लॉगिन नहीं कर पा रहे तो भाई आप लोग VPN से कनेक्ट करके अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन करने का ट्राई करना, क्या पता हो जाए। जहां तक मुझे पता है एक यही सलूशन है। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप लोग लॉगिन नहीं कर पाते तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो, ये सारी चीजें फिक्स कर दी जाएंगी, जल्दी आप लोग फेसबुक से भी लॉगिन कर पाओगे। ये नेटवर्क इशू हो सकता है, मतलब कि अगर आप लोग एक सिम से ट्राई करें तो भाई दूसरे सिम से ट्राई करके देख लेना, क्योंकि मेरा एयरटेल का था तो मेरे आराम से लॉगिन हो गया था। अब हो सकता है किसी पर्सनल सिम की वजह से आप लोग ये इशू आ रहा हो, अगर आप लोग पास कोई दूसरा सिम कार्ड है तो भाई आप लोग उसका डाटा यूज करके ट्राई कर सकते हो, क्या पता आप लोग के वैसे भी लॉगिन हो जाए। एक बार लॉगिन करने के बाद तो भाई आप लोग गेम खेल ही पाओगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आप लोग को फेस करनी पड़ रही होगी, जो कि मैंने आप लोग को बता दी। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि भाई आप लोग की 5th एनिवर्सरी के लिए निकल कर आ रही है, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को 5th एनिवर्सरी का ट्रेलर भी यहाँ पे निकल कर आ चुका है। बहुत ही ज्यादा ऑसम सा ट्रेलर देखने में लग रहा है। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं 5th एनिवर्सरी का पीक डे 27 अगस्त को होने वाला है, यानी कि भाई आप लोग को अगस्त मंथ में हमारा 5th एनिवर्सरी का इवेंट देखने को मिलेगा। और गाइस अभी तक आप सब लोग को ये तो पता चल ही चुका होगा कि 5th एनिवर्सरी को कौन सा बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5th एनिवर्सरी को हमारा बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होगा, जो कि भाई जस्टिन बाइबर के साथ होने वाला है। एंड देखो गाइस ये भी बहुत बड़ा सिंगर है, पता नहीं ग्रीनवालों को क्या होता है कि भाई हर बार सिंगर को ढूंढना होता है, तो इस बार भी आप लोग का जो कोलैबोरेशन होगा सिंगर के साथ ही होने वाला, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। और इसके लिए मैंने पहले से आप लोग को बता रखा था कि भाई ग्रेनवाल फ्री फायर की 5th एनिवर्सरी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग का ये जो 5th एनिवर्सरी का इवेंट होगा बहुत बड़ा यानी कि मेगा इवेंट होने वाला है। और न्यू कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का जस्टिन बाइबर वाला आप लोग का न्यू कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्किल भी यहाँ पे मैं आप लोग को कल की वीडियो में बता दूंगा पूरी डिटेल्स के साथ, तो आज हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यार मैं सारी चीज आप लोग को एक ही साथ एक ही वीडियो में बताना चाहता हूँ ताकि भाई कोई भी अपडेट आप लोग मिस नहीं कर पाओ। इसलिए यार मैंने ये सारी चीजें इस बार की वीडियो में कवर नहीं किया, क्योंकि उससे कोई फायदा भी नहीं होता। अगर मान लो कोई आज वीडियो देखने आया कल की वीडियो नहीं देख पाएगा तो यार वो चीजें मिस कर देगा, इसलिए मैं सारी चीजें आप लोग को OB35 के अपडेट वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप लोग अपनी विजन वाली न्यू गन भी देख सकते हो, इसमें SMG MO यूज होने वाली, बहुत ही तगड़ी गन यहाँ पे निकल कर आ रही है, मुझे तो भाई बहुत खतरनाक लग रही है। तो ये शायद से शॉर्ट रेंज के लिए आप लोग का काम आएगी, जो कि यार हमें OB35 अपडेट के बाद गेम में देखने को मिलने वाली। एंड गाइस मैं आप लोग को बता दूं OB35 अपडेट को लेकर यहाँ पे बहुत सारी लीक्स निकल कर आ चुकी है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आप लोग को OB35 अपडेट के बाद हमारी गेम में देखने को मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग OB35 अपडेट से रिलेटेड सारी की सारी लीक्स कवर करने वाले, जो कि मैं आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा एंड समझा भी दूंगा कौन से कैरेक्टर की स्किल कौन सी होने वाली है, कौन कौन से चेंजेस आप लोग को OB35 अपडेट के बाद हमारे गेम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले आप लोग के नेक्स्ट इनक्यूबेटर बंडल्स के बारे में और क्रिमिनल बंडल रिटर्न के बारे में। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लो, ताकि आप लोगों को हमेशा इसी तरह करना फिर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियोस मिलती रहेंगी, आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आप लोग के न्यू लक रॉयल के लिए निकल कर आ रही है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक सर पर कुछ इस तरीके का नया लक रॉयल देखने को मिला, जिसमें यार आप लोग को हमारे एक मेल का एक फीमेल का बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा तगड़े एनिमेशन के साथ आप लोग यहाँ पे दिया गया। तो गाइस ये दोनों ही बंडल हमारे इंडियन सर के लिए बहुत टाइम से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन गाइस अभी तक ग्रेन वाले ने हमारे इंडियन सर पर इन दोनों बंडल्स को नहीं दिए, तो क्या पता गाइस आप लोग को इस तरीके के लक रॉयल में हमारे इंडियन सर पर भी ये दोनों बंडल देखने को मिल जाए। तो बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल्स है, और इसमें आप लोग हमारी एक थॉमसन की गन स्किन भी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई हमारे इंडियन सर पर बहुत टाइम पहले देखने को मिली थी, वो भी फेडरल विल इवेंट में, और यहाँ पे आप लोग को एक हेलोवीन इवेंट
की ग्लो वाली स्क्रीन को भी दिया गया, जो कि शायद से अभी तक हमारे इंडियन सर्वर पर तो नहीं आई है। तो गाइस ये सारे रिवार्ड्स हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप लोग हमारे इंडियन सर्वर पर भी देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके के लक रॉयल में। बाकी जैसे ही मुझे इन दोनों बंडल्स को लेकर हमारे इंडियन सर्वर के लिए कोई भी कंफर्म अपडेट मिलती है तो मैं आप लोग को आने वाली वीडियोस में जरूर से बता दूंगा। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा हमारे इंक्यूबेटर रिटर्न के बारे में, यानी कि भाई कौन से नए इंक्यूबेटर आप लोग हमारे इंडियन सर्वर पर सबसे पहले रिटर्न में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरह के आप लोग की पोकर MP40 रिटर्न में निकल कर आ रही है, यानी कि भाई आप लोग गणेश के हमारे इंडियन सर्वर पर सबसे पहले रिटर्न में दी जाएंगी। और गाइस आप लोग तो जानते हो इनके लिए बहुत टाइम से लीक्स निकल कर आ रही है, तो हो सकता है कि गाइस इनको हमारे इंडियन सर्वर पर आने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि भाई अभी आप लोग के नए इंक्यूबेटर के बंडल आने वाले हैं। तो क्या पता आप लोग हमारे इंडियन सर्वर पर इंक्यूबेटर बंडल आने के बाद 7 डेज के लिए आप लोग की पोकर MP40 हमारे इंडियन सर्वर पर रिटर्न देखने को मिल जाए। रही बात गाइस आप लोग के नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल्स के बारे में, तो भाई आप लोग यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आप लोग के लिए बंडल्स निकल कर आ रहे हैं, यानी कि भाई टोटल 6 बंडल आप लोग हमारे इंक्यूबेटर में देखने को मिलेंगे। तो गाइस हर बार क्या होता था, आप लोग को इंक्यूबेटर में जो भी बंडल दिए जाते थे उनमें एक ही तरीके का बंडल आता था, मतलब कि भाई आप लोग उसे मेल एंड फीमेल दोनों को पहना सकते हो। लेकिन गाइस इस बार आप लोग को इंक्यूबेटर में 3 मेल के एंड 3 फीमेल के बंडल नजर आने वाले हैं, 3 कलर में आप लोग यहां पे देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस हमेशा की तरह आप लोग को टॉप में हमारे रेड वाले इंक्यूबेटर के बंडल देखने को मिलने वाले, यानी कि भाई टॉप वाले रेड इंक्यूबेटर के बंडल्स को लेने के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा डायमंड्स खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है कि भाई आप लोग को 3 ब्लूप्रिंट या 2 ब्लूप्रिंट में ये बंडल्स देखने को मिल जाए, और गाइस बहुत कम डायमंड्स खर्च करने पर आप लोग को हमारे व्हाइट वाले इंक्यूबेटर के बंडल्स क्लेम करने को मिल जाएंगे, यानी कि भाई इनको लेने के लिए आप लोग को बहुत कम डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। तो गाइस ये जो इंक्यूबेटर के बंडल्स है आप लोग हमारे ओग इंक्यूबेटर के बाद देखने को मिल जाएंगे। और गाइस जब मैंने यहाँ पे ओग इंक्यूबेटर की बात करी थी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत जल्दी आप लोग को हमारी ओग गन के इंक्यूबेटर में 50% ऑफ देखने को मिलेगा, यानी कि भाई जब भी आप लोग ये गन स्क्रीन इंक्यूबेटर से जाने वाले तो आप लोग को इन पर 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप लोग इनमें से कोई भी गन स्क्रीन निकालने के बारे में सोच रहे तो भाई इन पे डिस्काउंट आने का आप लोग वेट कर सकते हो। और गाइस बात करें आप लोग की क्रिमिनल बंडल्स रिटर्न के बारे में, तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिख निकल कर आ रही है कि आप लोग हमारे क्रिमिनल बंडल्स में से कोई ना कोई एक बंडल आप लोग को रिटर्न में देखने को मिलने वाला। अब वो कौन सा होगा इसके लिए कोई भी कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही, लेकिन गाइस हो सकता है कि 5th एनिवर्सरी के टाइम आप लोग हमारे क्रिमिनल बंडल में से कोई ना कोई एक बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि भाई 5th एनिवर्सरी का जो इवेंट होगा बहुत ही बड़ा एंड मेगा इवेंट होने वाला है। सो आप लोग को कोई ना कोई एक इंक्यूबेटर का बंडल रिटर्न में नजर आ सकता है। बाकी आप देखो अभी तक तो ऐसी कोई कंफर्म अपडेट निकल कर नहीं आ रही कि भाई आप लोग को क्रिमिनल बंडल रिटर्न में देखने को मिलेगा, लेकिन लीक्स काफी ज्यादा निकल कर आ चुकी है। और गाइस लास्ट में बताना चाहूंगा आप लोग को हमारे 2 नाइट अपडेट के बारे में, तो यार 2 नाइट अपडेट के लिए तो मैंने आप लोग को पहले से बता रखा, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो आप लोग का बर्गर इवेंट है बहुत टाइम से निकल कर आ रहा था एंड इसकी पॉसिबल डेट 8 जुलाई बताई जा रही थी। तो गाइस इसी में आप लोग को बर्गर थीम पर काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि भाई आप लोग को एक ग्लोबल स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, एक बैकपैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, एक मेल का बटन देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है कि आप लोग फीमेल का बटन भी इसी इवेंट में देखने को मिल जाए। तो गाइस काफी ज्यादा चांसेस है कि ये वाला इवेंट आप लोग को आज रात 12 बजे बाद हमारे इंडिया से देखने को मिल जाए। तो बस आज आप लोग के लिए यही सारी नई अपडेट निकल कर आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। सो होप करता हूं कि आप लोग को मेरी वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप पे सेट करते हो तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी, आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाओगे, इसलिए यहाँ से बेल नोटिफिकेशन को आप पे सेट कर लेना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.